काफी बच्चे हैं और बहुत उत्सुक भी हैं। अनुमानन कितने बुक बटने वाले हैं? कुछ टोकन ओकन भी यहाँ दिया गया है? 150 से 200 बच्चों को टोकन दिया गया है, तो मैं चाहती हूँ कि निराश होकर ना जाए। तो 150 का मेरा टारगेट था, लेकिन 200 शायद हो गए हैं, तो किसी को निराश नहीं करना। एक लास्ट ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा करके बुक वितरण जून या जुलाई तक होता तो उनको कुछ और ज़्यादा लाभ हो जाता। कुछ लेट हुआ किसी कारण से? नहीं, मैंने वो सोचा नहीं कि कब किसको क्या देना चाहिए। ज़रूरत है तो आप कभी भी दे सकते हैं। नोटबुक का कोई ईयर नहीं होता है,
राशन का कोई ईयर नहीं होता है, वो आपको ज़रूरत पड़ती ही है। तो मेरा कुछ भी लेट नहीं हुआ है, मैं महीने में 3-4 प्रोग्राम कर ही रही हूँ, क्योंकि जब मैं शुरुआत करूँगी तभी तो लोगों को पता चलेगा ना मोम फाउंडेशन क्या है। वही नहीं पता चल जाएगा, मुझे करना पड़ेगा चाहे वो। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है कब मुझे नोटबुक का वितरण करना चाहिए, मुझे लगा नहीं ये सही टाइम है करना चाहिए, तो मैंने तैयारी कर ली, वो भी 2 दिन के अंदर कर लिया। कुछ और आगे आने वाले समय में कुछ कर रहे हैं जरा हमारे दर्शक बता सकते हैं? अभी मेरा एक राशन का हुआ था, टीवी पे हो चुके हैं, और भी मैं कैंसर पेशेंट के लिए मदद कर रही हूँ। 2-4 ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जो जिनको मैंने अपने साइड से मतलब मदद की है और सक्सेसफुल रहा है उनका ट्रीटमेंट। और जो आप फ्यूचर का पूछ रहे हैं ना, तो मैं 200 से 300 लेडीज का कैंसर का ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जिसमें मेमोग्राफी हुई है उनका, तो वही हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। तो शायद 1 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। मॉम फाउंडेशन रखा गया है, मम्मी के साथ आपके किस तरह के संबंध, और मम्मी कैसा महसूस करती जब आप? हाँ मैं देख रहा हूँ, मम्मी क्या कुछ बोलती जब इस तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, मम्मी कितना सपोर्ट हो जाता है? एक्चुअली मॉम फाउंडेशन माँ के जरिए ही रखा है, मेरे सगे भाई नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं ही, मेरी माँ की माँ मैं ही हूँ, वो मेरी औलाद है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा जब आता है ना तो वो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हम ही लोग मम्मी पापा हो जाते हैं, तो वो मेरी माँ है, मैं उनकी केयर करती हूँ। तो मुझे लगता है उनके साथ साथ और लोगों की भी ज़रूरतमंद की केयर करना चाहिए, इसलिए मैंने मॉम फाउंडेशन रखा। और मेरी माँ का, मेरे पापा का, सबका सहयोग है, सब लोग बहुत खुश हैं कि मैं। आपकी बिटिया कर रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रही है? इमोशनल है द्वारा मेहनत कर रही है, तो हम सब चाह रहे हैं कि काम और भी आगे चल के बड़े लेवल पे हो। छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि और भी लोग हमारे इस काम को सराहें और दारा के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए भी कर रही है ताकि अच्छे तरह से नाम जाए और लोग देखें और लोग और भी आगे आके लोग बच्चों की मदद करें और जिनको प्रॉब्लम था उनकी भी हेल्प करें। तो हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास आगे और भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम वो भी काम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास टाटा हॉस्पिटल हेल्प कर रहा है और भी आगे चल के और प्रोग्राम हम देख रहे हैं। तो यार हार्ड वर्क और निरंतर एक कार्यक्रम करती रहे गरीबों के लिए, ये बहुत मतलब नेक कार्य है, मतलब समाज के लिए, तमाम फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। ओके, बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए अच्छा कदम उठाया है माँ फाउंडेशन, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जो गरीब के काम आता है उससे बड़ा अमीर, जो गरीब के काम आता है परमात्मा उसके काम आता है, क्योंकि गरीब की खुशी में गरीब के मुस्कुराहट में परमात्मा का वास होता है। मैं माँ फाउंडेशन को, उनके नाम में ही माँ है, माँ और माँ अपने बच्चों के लिए अभी बाकी तैयार रहेंगे, खुशी देने के लिए है और अच्छा सजा जीवन देने के लिए धार्मिक और मानविक वातावरण में मुझे कहते हो बड़ा अच्छा लग रहा है कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा को दे दस लाख बढ़ाना करेंगे, यही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। क्योंकि मेरा फाजी साहब ने कहा था घर से मस्जिद है दूर चले, यही कर ले किसी होते हुए बच्चे को। आप तो स्टार्ट, आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल, मैं जुड़ चुका हूँ।